हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और मैं जैसे कि एग्ज़ाम पास आ गया है तो बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको पढ़ाई के साथ साथ कुछ और वो नॉलेज दे पाऊँ जो पूरे इंडिया में इस समय आपके पास नहीं है। तो बेसिकली आज मैं क्या करने वाला हूँ, ये आपने इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा होगा कि कोई आपको 2021 का रिव्यू एग्ज़ाम से 5 दिन पहले दे रहा है। ये मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ, इसके बाद आप कम से कम इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट देखोगे जिनको इसका गारंटी से फायदा हो रहा होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है और ये क्यों बनानी पड़ रही है, क्यों बनानी पड़ रही है? जी हाँ, पिछले 2-3 घंटे लग गए मुझे इसको बनाने में, तो क्यों बनानी पड़ रही है पहले वो देख लीजिए। इससे पहले दोस्तों इसकी बात बाद में करेंगे, अभी ये मैंने कोशिश की है कुछ डिफरेंट जिसे मैं करता हूँ। 3 सेट, जैसे आपके एग्जाम में सेट आते हैं ना, सुबह की शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, तो ऐसे ही मैंने 3 शिफ्ट अलग अलग बांटी हैं कि सेट नंबर 1 20 20। अभी ये क्या है एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर, चिंता ना करें आप, अभी प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले बताता हूं जो भी बच्चे नया हो कि मैंने ये वीडियो करी थी, जब मैंने ये वीडियो करी तो इसको अप्रॉक्स 40-50 हज़ार लोगों ने देखा है अभी तक, और इसमें से उन्होंने गलती बताई कि सर हाँ मेरा पहला और 5वां पॉइंट गलत रहता था। अप्रॉक्स 750 कमेंट आए जिसमें से मैंने मोनिका और युवराज का स्टार्टिंग में ये कमेंट रखे हुए थे, 7-8 दिन पुराने कमेंट से, वो ले लिए। आप जरूर देख लीजिएगा, वीडियो की PDF में लगा दूंगा तो जरूर पढ़ लीजिएगा, वरना आप इस चैनल पे ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी चैनल पर जाकर ये वीडियो देखना, 4 से 5 मिनट का है शायद, या 7-8 मिनट का वीडियो है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये वाली वीडियो करी थी, इसने तो मतलब क्रांति से ही ला दी थी। इसमें भी काफी सारे कमेंट है, उसमें से कुछ कमेंट मैंने लिए जो रेगुलर बच्चे रहते हैं, आशुतोष तो रेगुलर ही रहता है क्लास में, आशुतोष, गरिमा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, पढ़ना आपका काम है। अब इस वीडियो को अच्छा लगने के बाद आप कमेंट कीजिएगा जिससे कि फिर मैं एनर्जेटिक और कुछ काम कर पाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों, ये काम है आपके लिए। अब वापस आते हैं यहां पर वीडियो पर, ये वीडियो भी इससे पहले वाली जो दोनों वीडियो दिखाई वो भी 3-3, 4-4 मिनट की थी, ये भी 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, इसके बाद अगर लेंदी लगे तो आप बंद कर सकते हो, मकसद है आपको सही रास्ता दिखाना, वो मैं दिखा के रहूंगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये मैंने लगाया है कि इस बार एग्जाम में क्या आ सकता है, इस बार एग्जाम में या तो 2020 आएगा, या 22 और 18 आएगा, या 18 और 22 आएगा, ये क्या है वो समझाता हूं। देखिए ये सभी आप जानते हो, मिसलिनियस पोर्शन और पजल पोर्शन, रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं, मिसलिनियस या पजल, तो मिसलिनियस पोर्शन या तो 20 नंबर का आएगा तो 20 नंबर का पजल आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। अब केवल मिसलिनियस में आप लोग किस चीज को मानते हो मैं दिखाऊंगा आगे, मैंने बायफर्केट किया है और अभी आप 5-6 दिन में किस तरीके से पजल वगैरह पढ़ सकते हो, कौन कौन सी पढ़ सकते हो वो भी आप फोकस कर लेना, या फिर 22 नंबर का मिक्स आएगा, 18 नंबर का पजल आएगा, या फिर 18 नंबर का मिसलिनियस पोर्शन आएगा और 22 नंबर का पजल आएगा, ये भी कैसे मैं आपको आइए दिखा देता हूं, ठीक है। पजल छोड़ के बाकी देखना है आपको, पजल के अलावा बाकी सब देखना है, पजल को भी फिलहाल रोक देते हैं क्योंकि पजल में 1-2 जगह कम लिखा हुआ है। किसी किसी सेट में इनइक्वेलिटी लॉग्स में इसे एक ही आएगा 4 नंबर का, तो वहां सीरीज और कोडिंग बढ़ जाएगा, ये भी मैं बताता हूं कोडिंग कौन सा बढ़ेगा, चाइनीज कोडिंग बढ़ जाएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर इनइक्वेलिटी लॉग्स में से एक आया 4 नंबर का तो चाइनीज कोडिंग आएगा ही आएगा, 100% श्योर है, ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग आएगा। बाकी सीरीज वो 5 नंबर वाली, लेटर नंबर सिंबल वाली आ सकती है, बाकी कोई भी आ सकती है। 2 क्वेश्चन जो पक्के हैं, 2 से 3, एक नंबर बेस्ड कि नंबर में इवन वाला प्लस कर दो या ऑड वाला माइनस कर दो, या नंबर को असेंडिंग में डिसेंडिंग में लगा दो तो बता दो, एक वर्ड वाला जरूर आएगा, ठीक है। तो यहां इस तरीके से 4 यहां 11 यहां, 3 नंबर का ब्लड रिलेशन, 2 नंबर का डायरेक्शन, 5 यहां और 4 पजल। अभी 4 पजल पे ये वाली मत देखना, वो मैंने अगले पेज पे बनाई है, यहां मत देखो, ठीक है, वो मैंने अगले पेज पे दिखाई है। कभी कभी इनइक्वेलिटी लॉग्स दोनों आ जाते हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट में जनरली होता है, पहली शिफ्ट में दोनों आ गए तो सीरीज और कोडिंग में से चाइनीज कोडिंग नहीं देगा आपको, 4-5 नंबर का वो तो पक्का देगा, आरआरबी क्लर्क तो देता ही देता है 4-5 नंबर का, कौन सा 3 लेटर नंबर या 3 डिजिट नंबर या लेटर या नंबर, और 1-2 क्वेश्चन जो बचेंगे वो कौन सा देगा वो सुन लो, वर्ड मीनिंग वाला मीनिंगफुल वर्ड बना दिया, या पेयर बना दिया, या इवन ऑड, ई पहले इसको इवन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, ऑड प्लस 1 कर दो, इवन माइनस 1 कर दो, कितना रिपीट हो रहा है कितना रिपीट नहीं हो रहा है ये, ठीक है। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन दोनों दे दिए, या ब्लड रिलेशन की जगह ऑर्डर रैंकिंग दे दिया, या डायरेक्शन की जगह ऑर्डर रैंकिंग दे दिया, ये 8 और 8, जब ये ज्यादा देता है तो ये 2 क्वेश्चन देता है कम से कम, और 4 पजल। 4 पजल में दोस्तों एक चीज याद रखना, आपके एग्जाम में अनसर्टेन जब भी आएगी 5 नंबर की आएगी नहीं, ये 3 नंबर की आएगी। 8 और 8 16 हो गए, ये 2 पजल में मत गिन लेना, बच्चा इसको पजल में गिन लेता है, मिसलिनियस में ही आता है ये ऑर्डर रैंकिंग डायरेक्शन ब्लड रिलेशन, तो 16 नंबर का ये, 6 नंबर का ये आ गया, ब्लड या डायरेक्शन, ब्लड या ऑर्डर रैंकिंग,
16 और 6 22, पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये चार पजल, चार में बॉक्स फ्लोर, अभी मैं वो पजल वाले अगले पर दिखाऊंगा, बस याद रखना अनसर्टेन आएगी तो तीन नंबर की आएगी। लास्ट वाले में क्या है, इनइक्वलिटी स्लॉग्स में से एक आया, सीरीज कोडिंग 10 नंबर का आया छोटे मोटे मिला के, और ब्लड लेशन एक आया। अब 22 नंबर की पजल आई, वो देख लो जरा, वो है आपके काम की। तो एक बात तो समझ में आई, पजल चार आनी है, पहले चार पजल जो आ रही है उस पर बात कर लेता हूं, फिर एक और एक्स्ट्रा जो पजल आएगी उस पर बात कर लेता हूं, जिससे आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, आरआरबी क्लर्क में सर्किल और रो में से पक्का है। अब सर्किल में नॉर्मल सर्किल आ जाए, इन आउट आ जाए, रो में सिंगल रो आ जाए, नॉर्थ साउथ आ जाए, डबल रो आ जाए, मंथ डे और फ्लैट, भाई या तो मंथ बेस आएगा या डे बेस आएगा या फ्लैट फ्लोर आएगा, सुन लीजिए, सबसे अच्छा डे आने के भी है इसमें, ठीक है। और तीसरा ये 100% श्योर है, ये ही इकलौता एग्जाम है जहां बॉक्स और फ्लोर में से एक ना एक देगा ही देगा, ये भी शॉर्ट ही है, आपको कोई नहीं बता रहा होगा, बॉक्स और फ्लोर में से एक देगा ही देगा वो आपके एग्जाम में, कोई भी शिफ्ट हो। मेरी बात को रिपीट कर लीजिए, याद रख लीजिएगा, सर्किल और रो में से एक है, बहुत रेयरली कोई शिफ्ट होगी कि स्क्वायर डाल दिया तो मैंने लिखा नहीं है जबरदस्ती का, कोई रेयरली एक शिफ्ट होगी कि 14 तारीख को कोई शिफ्ट थी उसमें ट्रायंगल डाल दिया, बहुत लड्डू सा ट्रायंगल और स्क्वायर आएगा तो हल्का ही आएगा, और ठीक है। तो सर्किल और रो में से बनता है, मंथ डे फ्लैट में से बनता है, फ्लोर और बॉक्स आना ही आना है, इन दोनों में से एक, दोनों आ गए तो लकी ड्रॉ निकल गया। लास्ट कैटेगरी वाली पजल, अनसर्टेन पजल या पोस्ट कैटेगरी आएगी तो तीन नंबर की आएगी। पांचवा जो बढ़ेगा, अगर कैटेगरी तीन नंबर है, पांचवा जहां पर 22 नंबर का पजल आ रहा है, वहां दोस्तों ऑर्डर रैंकिंग की जगह जो नया मैं बता रहा था इनोवेशन किया है एग्जाम ने, एग्जामिनर ने इनोवेशन किया, प्रोडक्ट परचेस करने वाला कि पहले 8 प्रोडक्ट है, इसने पहले खरीद लिया उसने बाद में खरीद लिया, या 8 लोग कहीं जा रहे हैं वो बाद में गया पहले गया, 8 लोगों ने कलर परचेस किए, पेन परचेस किए, फ्लावर परचेस किए, चॉकलेट परचेस की, किसने पहले करी किसने बाद में परचेस करी, तो प्रोडक्ट परचेस वाला आएगा तो 3-4 नंबर का आएगा, ये है मैंने एनालिसिस। हो सकता है इसकी जगह जब 22 नंबर का है तो उसमें स्क्वायर आ जाए, या हो सकता है जब 22 नंबर का है तो उसमें अनसर्टेन दे दे 3-4 नंबर का। शिद्दत के साथ एनालाइज किया गया है, ऐसे ही जबरदस्ती आ गए, क्यों किया गया वो भी देख लो, ये कहां से आया, लास्ट ईयर के एग्जाम के पैटर्न को जब मैं एनालाइज कर रहा था उसके बाद, ये रहा 8 अगस्त, इस बार 7 अगस्त को पेपर है, पिछली बार 8 अगस्त को हुआ था, ठीक है। ये 8 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है, ये 14 अगस्त का एनालिसिस है, उन सबको देखने के बाद मैंने बनाया है सीरीज मैराथन का। आप वेट कर रहे थे, समय आपका ज्यादा नहीं ले रहा हूं, कितने मिनट हो गए, 7 मिनट हो गई है, तो आप जल्दी जल्दी अपने काम की देख लो, सीरीज की मैराथन में लेकर आ रहा हूं, अब सीरीज की बारी पूरी करना है, हमारी जिम्मेदारी कब होगी कहां होगी थोड़ी देर और वीडियो देखो, ठीक है, वो बताता हूं कब होगी किस समय होगी। रात के 10 बजे पजल, 10 पजल हो रही है, 10 बजे हो रही है। अब मैं जो मेन फोकस करने वाला हूं, सर्किल इन आउट, रो नॉर्थ साउथ, डबल रो, फ्लैट फ्लोर, इन पर ज्यादा फोकस करने वाला हूं क्योंकि एग्जाम में 4-5 दिन बचे हैं। सुबह की क्लास आपकी हो रही है बैंकर्स पेपर 11 बजे, रात के 10 बजे 10 पजल हो रही है, होती रहेगी दोस्तों, ठीक है। 11 बजे बैंकर्स पेपर क्लास चल रही है जहां पर मैं पेपर करा रहा हूं पूरा पूरा 40 के 40 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क पैटर्न पर, आरआरबी पीयू पैटर्न पर। जब वो खत्म हो जाएगा तो आईबीपीएस के स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इसके अलावा प्लस क्लास अगर परचेज करनी हो, सुन लेना 1.5 मिनट का और है फिर काम की बात बताता हूं, प्लस क्लास परचेज करनी हो तो इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा दोस्तों। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो अनअकैडमी को या बाकी लोगों को लगेगा आप मेरे थ्रू आए हैं, आपके पसंदीदा टीचर मैं हूं, आप मेरे को फॉलो करते हैं। इस चैनल पर मैं इतनी सारी फ्री क्लास लेता हूं, उसका मकसद है दोस्तों, मुझसे भी पूछा जाता है कि आप फ्री क्लास लेते रहते हो तो उसका होता क्या है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आप परचेस कर पाते हैं तो परचेस कीजिएगा, जब भी आप परचेस करो तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और हां, 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं लेना है, ये पूरे आपको इंडस्ट्री में कोई नहीं बोलेगा सिवाय पुनीत सर के, 2 साल का नहीं लेना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, और अगर आप थोड़े बहुत भी मैच्योर टैलेंटेड है तो 6 महीने में भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। अगर पैसे कम हो तो 6 महीने का वरना 1 साल का, ठीक है। कोड इस्तेमाल कीजिएगा PUNEET10, प्लस परचेज करो चाहे आइकॉनिक, दोनों में इस कोड का इस्तेमाल कर लेना। फ्री क्लास मेरी अनअकैडमी स्पेशल पर भी होती है तो इस कोड के थ्रू आप फ्री में मेरे को फॉलो कर लेना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद। वापस आते हैं, ये सीरीज होने वाला है सैटरडे को 11 बजे, सैटरडे को 11 बजे सुबह हम यहीं इसी चैनल पर ये कर रहे होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किया हो। ये ब्लड रिलेशन की मैराथन करी थी, खूनी खेल का खात्मा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जिन बच्चों ने मेरी ऐप डाउनलोड कर रखी है, रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल का नाम है, रीजनिंग बाय पुनीत सर ऐप का नाम है, रीजनिंग बाय PUNEET पुनीत सर, गूगल पर जाना, रीजनिंग बाय पुनीत सर ऐप डाउनलोड करना। जिन बच्चों ने पजल खरीद रखी है, 198 प्राइस था, 99 उनको मिल गया था पुनीत 10 लगाने के बाद,
पुनीत 10 लगाने के बाद विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। तो 99 रुपीस का पजल जिनको मिला था उनके लिए मैंने 24 पजल लगा दिए दोस्तों, आप उनको एक भी रुपया पे नहीं करना जिन्होंने ऑलरेडी खरीद रखा है। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको जस्टिफाई कर पाऊं, जिन्होंने ऑलरेडी खरीद रखा है उनको चवन्नी भी नहीं देनी है, फ्री में 24 पजल मिल रही है। कौन से आरआरबी कलर के जो मेमोरी बेस्ड पेपर था वो, जिन्होंने नहीं खरीदा उनको शायद 29 रुपीज का या 49 रुपीज का पड़ेगा, पर क्या जरूरत है खरीदने की। अगर आपने खरीद रखा है तो फ्री में आपके उसी में अनरोल उसी में फ्री ऑफ कॉस्ट लग गया होगा। जिन्होंने खरीद रखा है मत खरीदेगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं खरीदा वो खरीद लेना, वैसे मेरा उम्मीद मानना है कि खरीदना मत, आप सीधा डायरेक्टली अगर खरीदो तो यही खरीदना, इससे कि वो फ्री मिल जाए। सीरीज के लिए 300 क्वेश्चन है, 42 रुपीस की सीरीज थी, पुनीत 10 लगाने के बाद 21 में मिल जाएगा 300 क्वेश्चन। और अगर आपको नहीं खरीदना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता मत करो, मैं यहां पर सीरीज आपको मैराथन लेकर आ रहा हूं, पूरी कोशिश रहेगी सारे क्वेश्चन यहां कर दूं, ठीक है दोस्तों। तो अगर प्लस कोर्स परचेज करना हो तो लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा। लेकिन एक मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं, आपके लिए ही ये वीडियो कर रहा हूं, जब इन बच्चों ने कमेंट किया इस वीडियो के बाद तो मैं ये वीडियो लेकर आया, जब ये वाली वीडियो में कमेंट किया तो वो वीडियो लेकर आया। आप ये वीडियो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है जरूर बताइएगा, मैं आपकी सेवा में था हूं और रहूंगा। इसके अलावा भी सीरीज के अलावा कोई और मैराथन अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये वीडियो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल थी जरूर कमेंट कीजिएगा। 11 मिनट 23 सेकंड, थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया, लेकिन क्या करें, जब आपको बताना ज्यादा होता है तो थोड़ा समय लग जाता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आज रात 10 बजे। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। कमेंट जरूर करके जाइएगा, जिससे कि कोई ना कोई बच्चा आपका कमेंट पढ़ के बेनिफिट उठा सके। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया। थैंक यू।